हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मेरा लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज फिफ्थ जो है उसकी मिसलिनियस कर रहे थे, उसको करते हैं आके कंटिन्यू। देखो, तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड शायद मैंने लास्ट करा था, उसमें करवाया था। थर्ड भी करवाया था शायद, ना थर्ड में थोड़ा सा लास्ट छोड़ दिया था मैं आपको खुद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आओ। जैसे मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई होंगी कॉन्जुगेट वगैरह के बारे में, शायद उसको बता देता हूँ थोड़ा सा आगे ना। एक तो आपका था कॉन्जुगेट, और एक था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, ठीक है बेटा, इसका तो कॉन्जुगेट होगा। जेड बार इक्वल टू वो होता है ए माइनस आईटा, आईटा के जो इंटू में नंबर है उसका संयुग्म दे देते हैं। कॉन्जुगेट को रिप्लेस नहीं, इसको बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी ठीक है, उसको जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आईटा बी है तो आईटा के जो इंटू में नंबर लिखा हुआ है, आईटा के जो आगे जो साइन है उसका साइन बदल देते हैं बस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, अगर जेड इक्वल टू लिखा मान लीजिए 3 + 4 आईटा, तो इसका जेड बार जो क्या होगा 3 - 4 आईटा। ठीक है भाई, इसका संयुग्मी होगा ये। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं कहूँ जेड इक्वल टू लिखा हुआ -3 - 5 आईटा, तो बेटा जेड बार क्या बनेगा -3 + 5 आईटा। ओके, आईटा के आगे जो साइन, जो भी साइन है यहाँ पर उसको प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ओके, तो ये जेड बार को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट या संयुग्मी बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो नोट करिए इसको। फिर कुछ और भी बातें हैं वो देखो। अगला है आपका संयुग्मी हो गया। ओके, फिर आओ इनवर्स में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इनवर्स, प्रतिलोम बोलते हैं बेटा ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। जेड इनवर्स रिप्रेजेंट करते हैं 1/z को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा जेड इक्वल टू 3 + 5 आईटा, तो इसका जेड इनवर्स क्या होगा बेटा 1/3 + 5 आईटा। और इसको सोल्व कर लेते हैं कैसे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, 3 - 5 आईटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 5 आईटा से के अपोजिट से, तो ऊपर होने 3 - 5 आईटा अपॉन में a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर - 5 आईटा का स्क्वायर, तो बनेगा 3 - 5 आईटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 25 आईटा स्क्वायर। आईटा स्क्वायर वैल्यू -1, इसको प्लस कर देगा ये 3 - 5 आईटा अपॉन 9 + 25, तो बन जाएगा 3/34 माइनस आईटा इंटू 5/34। तो फिर ये ए और ये मेरा बी, जेड इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्म में। मैं जो भी जेड इनवर्स लिखेंगे अपॉन में आईटा नहीं करना आपको कभी भी, उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, फिर इसको हम जेड इनवर्स कहेंगे। ओके, आई बात समझ में। तो ऐसे ही इनवर्स वगैरह निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आओ आप। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था आपका उसको देखिए। लिखा हुआ एक्स माइनस आईटा वाई क्वेश्चन नंबर फोर। एक्स माइनस आईटा वाई इक्वल टू रूट a - आईटा बी अपॉन c - आईटा डी। ठीक है, करने के दो तरीके हैं बेटा।
एक तरीका तो ये है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया ए माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा टी, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करके रियल नंबर इसका भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उससे बेटर एक और दूसरा फॉर्मूला वो है, वो कर लो कैसे, बोथ साइड टेकिंग कॉन्जुगेट्स, दोनों तरफ के ले लो बेटा कॉन्जुगेट कर लो। तो एक्स माइनस आइटा वाई इसका कॉन्जुगेट किया रूट ए माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा टी, इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा बनेगा एक्स प्लस आइटा वाई, ओके। और इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो रूट में बन जाएंगे ए माइनस ए प्लस आइटा बी और ये सी प्लस आइटा टी। कॉन्जुगेट आप अंदर ले जा सकते हो, ऊपर अलग अलग निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये कौन सी है सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो इनको, इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड लिख देना यहाँ पर, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ओके, दोनों तरफ संयुग्म में लेने पर इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू में एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आइटा बी अपॉन में सी माइनस आइटा डी इंटू में रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन में सी प्लस आइटा डी, ठीक है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर, इधर आपका ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में सी माइनस आइटा डी इंटू सी प्लस आइटा डी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखो ये एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी बेटा माइनस वन, इसको प्लस कर देगी तो प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बनेगा रूट में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर, फिर वो आइटा स्क्वायर प्लस कर देगा बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सी माइनस आइटा डी। तो बेटा ए माइनस बी सी का स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस कर देगा इसको, ठीक है। अब बहुत सारे स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूफ एच बी, ठीक है भाई। इसका कॉन्जुगेट लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक बार नोट करो सभी बच्चे, इसको नोट करिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। सोल्व द इक्वेशन इन एक्सरसाइज सिक्स नंबर नाइन सोल्व करने है। कैसे वही भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी बाई टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट आप अपने आप करना भाई, और नाइन्थ भी अपने आप करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन में होगा, क्वेश्चन नंबर टेन क्या लिखा हुआ, जेड वन इक्वल टू टू माइनस आयोटा, जेड टू इक्वल टू वन प्लस आयोटा, और हमें निकालना मोडलेस। अच्छा, एक मोडलेस आपको मैंने बताया नहीं अभी तक, वो भी शायद जेड वन प्लस जेड टू माइनस प्लस वन अपॉन जेड वन प्लस जेड टू जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन, ठीक है। तो जेड वन क्या, अच्छा देखो ये समझ लो एक बात, ये भी मॉडुलस भी नहीं बताया, जेड जेड इक्वल टू अगर ए प्लस आइटा बी है बेटा, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एग्जाम्पल नोट कर लो ऐसे, जैसे मैं कहता हूँ जेड इक्वल टू थ्री प्लस फोर आइटा है, तो मॉडुलस जेड की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, रूट थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन,
तो वैल्यू रहेगी रूट 25 मतलब 5, मोडुलस जेड की वैल्यू क्या बनेगी 5। ठीक है, ये उस पोलर फॉर्म में आता है जनरली तो वैसे, ठीक है, लेकिन तब समझ लो आप। ओके, ये फॉर्मूला होता है भाई, इसको ध्यान रखना और ये एग्जांपल नोट अलग से करना, पहले पहले इसको करना नोट, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने क्या है, मोडलेस 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। ठीक है, तो बेटा यहाँ आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा गया आपका 2 माइनस 2 आयोटा, कैंसिल आउट करोगे मोडलेस ऑफ, ये बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, 2 का मोडलेस बेटा 2 ही रहेगा और 1 प्लस 1 का मोडलेस रूट 1 प्लस 1, तो बटेगा 2 अपॉन रूट 2 और ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2, इसका मोडलेस ही वैल्यू आ जाएगी रूट 2। ठीक है, 2 का मोडलेस तो 2 और 1 माइनस आयोटा का रूट ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस 1 तो रूट 2, रूट 2 आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए आज क्लास में इतना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 करना आप लोग खुद से, ओके, नहीं तो मेरे से पूछ ले, कल करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन से। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।